अस्सलाम वालेकुम, आज बात करेंगे हम एड फोकस की। इमेज क्या होगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो मैंने यहाँ पे कर्व बना लिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया है, फोकस भी रख दिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। और किसके हिसाब से, जितना पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस रखेंगे उतना एफ और सी के दरमियान रखेंगे। आप क्वेश्चन क्या है, अगर हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट तो साइज नेचर और पोजिशन ऑफ इमेज क्या बनती है। तो हम करेंगे, पहले हम रखते हैं, ये मैंने रख लिया ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो मैं लिखूँगा पुट एन ऑब्जेक्ट एट फोकस। दूसरा पॉइंट, हम क्या करते हैं, हम रूल्स को फॉलो करते हैं। तो करेंगे रूल को फॉलो। तो पहला रूल हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रा अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है जब हम रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं वो वापस आके फोकस से पास हो जाएगी, वापस आके फोकस से पास आएगी। तो यही लिखेंगे, ड्रा एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। मैं ऐसे लिख दूँ क्योंकि बोर्ड की प्रॉब्लम है। ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल हम फॉलो करेंगे, हम ये वाला रूल अपनाएंगे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का है। तो हम इंसिडेंट रे डालते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पोल। मैंने एक रे डाली इंसिडेंट टू पोल, तो वो क्या करती है, जो एंगल यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस उस वक्त नॉर्मल बन जाती है। तो नॉर्मल अगर हम रखेंगे तो जो एंगल ये यहाँ पे होगा वही एंगल इस साइड भी बनेगा। तो मान लो या यहाँ पे ये एंगल बन जाता है, ये वाला एंगल। तो लिखेंगे ड्रा अनदर रे इंसिडेंट टू पोल। इंसिडेंट टू पोल, अगर जो रेफरेंसेस देखेंगे, रेफरेंसेस पे ये वाला रूल ऑपरेट किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये आपके समझ के बाहर होगा, कैसे बोलेंगे ये, कैसे है, किस तरह यहाँ से जाएगी मिरर पे रे। तो मैंने ले लिया रूल नंबर 4, इंसिडेंट पोल वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल बनाएगी। ड्रा अनदर रे इंसिडेंट पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉर्म्स द सेम एंगल, फॉर्म्स द सेम एंगल फॉर्मड बाय जो बनाया किसने, इंसिडेंट रे ने, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ या अभी विद नॉर्मल के साथ। चौथा पॉइंट हम क्या लिखते थे, ये रेज जो वापस आ रही है ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि ये नज़दीक नज़दीक जाएंगी, लेकिन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो पता नहीं है। तो इसलिए ये इंटरसेक्ट करेंगी एट इन्फिनिटी, द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर सपोज्ड टू इंटरसेक्ट एट, जो पता ही नहीं है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की साइन में लिखता हूँ और मैं लिखूंगा ब्रैकेट में इन्फिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब लिखेंगे नेचर, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज होगा रियल, क्योंकि
कॉनकेव मिरर जो सारी रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर की बनती है वो बनती है रियल, सिर्फ एक को छोड़ के अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं पोल और फोकस के बीच पे, वो वर्चुअल बन जाती है, बाकी सारी रियल बन जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल, और रियल होती है हमेशा इनवर्टेड। दूसरा हम साइज, साइज जब वो बनाएंगे तो ये बिल्कुल बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज। हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं, अगर बोर्ड बड़ा बड़ा होता तो कोशिश करता मैं दिखाने की कि ये मीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मेजर करके मैं एंगल लूँगा तो ये थोड़ा नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, जिसके जिसका हमें पता चला कि ये कहीं पे मिल जाएंगी। पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन होगी एट इन्फिनिटी। तो ये आपको समझ में आया होगा, ऑब्जेक्ट रखना था एट फोकस, फोकस पर रख लिया, पर डाली वो गई थ्रू फोकस जो रोल बोल रहा है, दूसरी दे डाली इंसिडेंट पोल। अगर यहाँ पे आप 15 डिग्री एंगल बन गए तो यहाँ पे भी बनना चाहिए 15 डिग्री एंगल। जब आप रूलर से मेजर करके लेंगे तो आपको लगेगा कि ये दो जो रेज वापस आ रही है ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होके कहीं पे मीट करेंगी, लेकिन कहाँ पे मीट करेंगी वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं इन्फिनिटी। अस्सलाम वालेकुम।